जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। कुंडली में चंद्रमा सबसे ज़्यादा प्रमुखता रखता है, प्रधानता रखता है, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है मनुष्य का वो है मकान, और मकान का सुख, वाहन का सुख, चौथा माता का सुख, मक्ता का कारक भी चंद्रमा होता है। 2.5 दिन के अंदर यह राशि परिवर्तन कर देता है। मान सम्मान का कारक चौथा भाव, जल का कारक चंद्रमा, और जो चंद्रमा है हम सभी जानते हैं, चंद्रमौली भगवान शिव के शीश पर विराजता है। भगवान शिव की सेवा से भी चंद्रमा को संतुलित किया जाता है। चंद्रमा के स्वामी भगवान शिव माने जाते हैं, ये सभी हम जानते हैं। आज का जो विषय है वो है कि हम चंद्रमा को शुभ कैसे करें, भगवान शिव की हम आराधना करेंगे और किस तरीके से करें कि चंद्रमा हमारा शुभ हो जाए। काफी साल हो गए हैं, काफी उम्र हो गई है, लेकिन खुद का मकान, खुद का वाहन नहीं ले पाए हैं। माँ तो है, लेकिन माँ से कहा सुनी या अनबन रहती है, जिसकी वजह से हमारे को वो मकान तो है लेकिन मकान का सुख नहीं है। तो ऐसा क्या किया जाए कि चौथे भाव को बल मिले, चंद्रमा को बल मिले? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आज अभी सावन का महीना चला हुआ है, सावन के महीने में क्या करना है आपको, सोमवार के दिन, या आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, यदि आपको मात्र चंद्रमा शुभ करना है। चंद्रमा की जो दिशा है वो पश्चिम दिशा है, सूर्य जहाँ से निकलता है, यदि आपको नहीं पता पूर्व दिशा कौन सी है, तो चंद्रमा जहाँ से सूर्य निकलता है उसको बोलते हैं पूर्व दिशा, ईस्ट, और उसके जस्ट ऑपोजिट बिल्कुल सामने जो होती है वो पश्चिम दिशा होती है। तो पश्चिम दिशा का जो कारक है वो चंद्रमा है, और शनि की भी ये कारक दिशा पश्चिम दिशा है। अब हमको चंद्रमा को शुभ करना है तो क्या करेंगे, शिवलिंग के पास आप जाइए और आपका जो मुख है वो पश्चिम दिशा में होना चाहिए, क्योंकि हम चंद्रमा को शुभ कर रहे हैं। सोमवार के दिन आप पूजा करेंगे भगवान शिव की और चंद्रमा की, पश्चिम दिशा, सफेद कपड़े पहनकर। अब जो इसका समय है, सोमवार को पूजा का जो समय है, वो यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, भगवान शिव की आप आराधना करते हैं, तो सुबह 7 बजे के बाद से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक आपको सेवा नहीं करनी। इस टाइम के बीच में यदि आप सेवा करते हैं तो राहु काल होता है, खास करके लिए सिंह लग्न जो है, कर्क लग्न जो है, वृश्चिक लग्न, मेष लग्न, धनु, मीन, इन लग्नों के लिए राहु शुभ फल नहीं देता, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। इस टाइम पीरियड में, सोमवार के दिन इस टाइम पीरियड में आप सेवा ना करें, इसके बाद कर सकते हैं, या सबसे अच्छा अगर आपको फायदा लेना है तो 5:30 बजे से पहले पहले आप सेवा कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके चंद्रमा को शुभ करेगा। और भगवान शिव को प्रसन्न करना है और चंद्रमा को भी शुभ करना है, मजबूत करना है, तो आपको भगवान शिव को शक्कर मिलाकर दूध चढ़ाना चाहिए। दूध चढ़ाते वक्त ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ की आप दवा के सेवा कीजिए। शंख, यदि आप दक्षिणावर्ती सफेद कलर का शंख अपने घर में रखते हैं तो भी चंद्रमा शुभ होता है, अच्छा फलदायक होता है। तो इस तरीके से आप सोमवार के दिन पश्चिम दिशा में जो कि चंद्रमा का कारक है उसकी सेवा कर सकते हैं, कीजिएगा, आपको फल मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि भगवान शिव की कृपा से कैसे शनि देव को शुभ किया जाए। फिर मिलेंगे, जय श्री कृष्णा, श्री राधे।